भविष्य में हर क्षेत्र में नैनो तकनीक का प्रयोग होगा, इसलिए विज्ञान में भौतिकी, रसायन, बायोटेक्नोलॉजी के छात्रों को भविष्य संवारने के लिए इस विषय में कार्य करना उचित है। यह कहना है डॉक्टर गगन कुमार भार्गव का, जो कि अर्की तहसील के बातल गांव के निवासी हैं और वर्तमान में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा नैनो पदार्थ पर सक्रिय रूप से शोधरत हैं। इन्होंने एचपी यूनिवर्सिटी शिमला से फिजिक्स में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है व अपनी पीएचडी का अधिकांश शोध कार्य नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी नई दिल्ली में किया है। डॉक्टर भार्गव ने अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 50 से ज्यादा शोध पत्र प्रकाशित किए हैं तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में 25 से अधिक शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। ये 15 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में रिव्यूअर भी हैं तथा अब तक वे पीएचडी, एमफिल, एमएससी के 12 से अधिक छात्रों को शोध कार्य करवा चुके हैं। डॉक्टर भार्गव अमेरिकन जर्नल ऑफ नैनो साइंस व अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग के एडिटर भी हैं व इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एडवांस मटेरियल स्वीडन के सदस्य भी हैं। डॉक्टर गगन ने बताया कि उन्होंने एक पेटेंट भी दायर किया है, साथ ही उन्हें फ्रांस और जापान आदि देशों से आगे के शोध हेतु निमंत्रण प्राप्त हुए हैं। नैनो टेक्नोलॉजी आज के टाइम में हर इंसान की एक नेसेसिटी बन चुकी है, क्योंकि जाने अनजाने हम किसी भी सेक्टर, चाहे वो मेडिकल का सेक्टर हो, डिफेंस का सेक्टर हो, या फिर हम इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्टर देखें, कॉस्मेटिक्स का सेक्टर देखें, उन सभी में हम इस टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं। सो नैनो टेक्नोलॉजी बहुत पुराने टाइम से इंसान यूज़ करता आ रहा है, लेकिन उस टाइम हमारे इंस्ट्रूमेंट्स इतने सोफिस्टिकेटेड नहीं होते थे कि हम ये जान सकें कि हम जिस मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं वो नैनो डायमेंशन में है। लेकिन आज के टाइम में 2000 के बाद इस टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया में एक क्रांति की तरह ये टेक्निक आई और इसने सभी साइंटिस्टों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। अब यदि हम देखें कि नैनो टेक्नोलॉजी है क्या, तो किसी भी पदार्थ को नैनो डायमेंशन, एक से लेके 100 नैनोमीटर तक जब हम डायमेंशन ले आते हैं किसी मटेरियल का, तो उसको हम नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो एक नैनो मटेरियल को यदि हम वैसे एक कॉमन मैन यदि देखना चाहे, तो हमारे जो बाल होते हैं उस एक बाल का डायमेंशन जो है 90,000 नैनोमीटर के बराबर होता है। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी किस तरह से हमारे बाकी प्रॉपर्टीज को चेंज करती है, तो हम ये देख सकते हैं कि जब हम, हमारे पास एक बहुत बड़ी कोई चीज होती है, तो जब हम उसके डायमेंशन को रिड्यूस करते हैं, तो ये पार्टिकल जो हमारे सरफेस के ऊपर होते हैं, तो सरफेस टू वॉल्यूम रेशो इंक्रीज हो जाती है। तो वो सारे पार्टिकल जो एटम्स इनसाइड थे बल्क सिस्टम के अंदर, वो सारे इतने एक्टिव हो जाते हैं कि हमारी प्रॉपर्टीज को एकदम से ड्रास्टिक चेंज कर देते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे गोल्ड हम यूज देखते हैं, तो गोल्ड का रंग अमूमन देखते हैं कि ये पीले रंग का होता है, लेकिन यदि हम उसी गोल्ड को नैनो डायमेंशन की तरफ ले जाए, नैनो स्केल तक ले आए, तो उस गोल्ड को यदि हम देखें तो वो लाल या फिर बैंगनी रंग का दिख सकता है। ये जरूरी नहीं है कि गोल्ड हमें येलो ही दिखेगा। रीजन ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उस नैनो गोल्ड के अंदर इतनी, उनकी गति जो है इतनी सीमित होती है कि वो प्रकाश के साथ एक अलग तरह से इंटरेक्ट करते हैं। सिमिलरली ऐसे ही हमारे पास कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो कि यदि हम देखें कि बल्क फॉर्म है, मतलब बड़ी शेप में, तो वो क्या करते हैं कि कुचालक की तरह, नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जब हम उनका साइज नैनो डायमेंशन की तरफ ले आते हैं, तो इट माइट बी पॉसिबल दे विल स्टार्ट टू बिहेव लाइक ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो एक कंडक्टर के सुचालक की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से जैसे हम स्टील देखते हैं, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, हम अमूमन यूज करते हैं स्टील को अपने घरों में हर जगह, लेकिन यदि हम नैनो की बात करें तो कार्बन नैनो ट्यूब्स की जो स्ट्रेंथ है वो 100 गुना ज़्यादा है स्टील से।
तो हम देख सकते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी किस तरह से नैनो मटेरियल्स को एक स्ट्रेंथन दे रही है, किस तरह से उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा रही है। तो आज के टाइम में जो हम आदमी यूज कर रहे हैं, जैसे हम पुराने टाइम में टीवी देखते थे, हमने देखा है कितने बड़े बड़े एंटीनाज होते थे। आज के टाइम में मोबाइल यूज करते हैं, उसके अंदर एंटीना होता ही नहीं है। तो पहले मोबाइल जो निकले थे उसके अंदर बाहर एंटीना लगा होता था, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी इतनी ग्रो हो चुकी है कि वो एंटीना हमें दिखता ही नहीं है। कितना स्मॉल साइज का एंटीना हो गया है, तो हर जगह हम देखते हैं कि मिनिएचराइजेशन करना है। मेडिसिन के उसमें यदि हम जाएं, दवाइयों के उसमें, तो हम देखते हैं कि कई बार हमें डॉक्टर जो है सलाह देता है कि भाई आपने इतने एमजी की ये दवाई खानी है, तो वो डोज हमारे शरीर को होती है, लेकिन पेन मान लो आपके यहाँ है या किसी के यहाँ है, तो वो पूरी डोज खाता है। तो वो जब ब्लड में मिलती है तो वहां पे जाके उसको वो ठीक कर देती है, नो डाउट वो ठीक हो जाता है, लेकिन उसका एक एडवर्स इफेक्ट भी बॉडी के ऊपर है। लेकिन यदि एक नैनो मेडिसिन ऐसी आए कि वो वहीं पे जाके काम करे जहां उस इंसान को पेन है, बाकी शरीर को कोई उसका दुरुपयोग या उसका कोई असर ना पड़े, तो वो एक लाइफ लॉन्ग चीज चली जाएगी, क्योंकि उसका कोई एडवर्स इफेक्ट बॉडी के ऊपर नहीं है। आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि किस तरह से नैनो टेक्नोलॉजी कैंसर जैसी बीमारी को भी दूर करने में सक्षम रहेगी, क्योंकि इतने सेल्स को उसको ढूंढना, तो नैनो टेक्नोलॉजी के कारण इट मे बी पॉसिबल। या कंप्यूटर्स हम देखते हैं कितने छोटे साइज के आज के टाइम में आ चुके हैं, हम देख भी नहीं सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे कि हाथों में हम एक कंप्यूटर को लेके बैठ सकते हैं, लेकिन आज के टाइम में इस टेक्नोलॉजी के कारण हम देखते हैं कि कंप्यूटर का साइज कितना छोटा हो गया है। तो ये टेक्नोलॉजी एक रेवोल्यूशन है, और साइंस के स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जब वो अपना साइंस के तरफ कोई कैरियर देखते हैं, तो उनको ये देखना चाहिए कि आने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है। तो आने वाली जो भी तकनीक होगी वो हमारे नैनो से जुड़ी होगी, तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर अपना ध्यान दें और उसके अंदर अपने कैरियर की तरफ तलाश करें कि उसमें आपका एक अच्छा कैरियर बन सकता है। तो उसमें आप MSc फिजिक्स कर सकते हो, MSc केमिस्ट्री कर सकते हो, MSc बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो, ये उसके बाद जो है आप नैनो टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे रिसर्च कर सकते हो और एक अपना। डॉक्टर भार्गव का कहना है कि आजकल नैनो टेक्नोलॉजी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गई है, तथा विश्व में हर वस्तु को छोटा और मजबूत करने की होड़ मची है। विभिन्न क्षेत्रों में जैसे इलेक्ट्रॉनिक, मेडिसिन, ऑटोमोबाइल, बायोसाइंस, पेट्रोलियम, फॉरेंसिक और डिफेंस में नैनो टेक्नोलॉजी की असीम संभावनाएं बन रही हैं। उन्होंने विज्ञान के छात्रों को नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना कैरियर चुनने की सलाह दी है, क्योंकि भविष्य में हर तकनीक का आधार नैनो ही होगा। अर्की जिला सोलन से आपका चैनल न्यूज के लिए शहनाज भाटिया की रिपोर्ट।